नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली कंट्रेंस प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 29 अगस्त और आज के कुछ महत्वपूर्ण कंट्रेंस पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आपसे जो मैं डेली रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सबसे पहले आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा यह लक्ष्य है कि आपके किसी भी एग्जाम में, खासकर आपका एग्जाम जो अभी हाल ही में होने वाला है, यानी कि यूपी पीसीएस अपर एग्जाम पीसीएस का, इसके साथ साथ में आरओ एआरओ यूपी पीसीएस का, और साथ ही साथ में अगर आप किसी अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे तो उनमें जो भी प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के आते हैं वो प्रश्न आपके गलत ना होने पाए। साथ ही साथ में अगर आप वनडे एग्जाम पर फोकस्ड हैं तो उन एग्जाम में भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस गलत ना हो, ये हमारा क्या है, टारगेट है। साथ ही साथ में हमारा टारगेट यह भी रहता है कि आप मेंस की प्रैक्टिस करते रहो। इसके लिए मैं लास्ट में आपको वीडियो के अंत में एक प्रश्न देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, साथ साथ में बीच बीच में आपको निबंध का भी टॉपिक देता रहता हूं, और इसके अलावा मैं आपको जीएस के इंपॉर्टेंट टास्क देता रहता हूं कि आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना। तो ये सारी चीजें अगर आप समग्र रूप से करेंगे निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। आप अगर वीडियो पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको देखिएगा और 10-15 दिन आप वीडियो को देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि आपको इससे कितना फायदा मिलेगा। तो चाहिए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और फटाफट करते हैं आज का रिवीजन। और रिवीजन के लिए मैं आपको हर एक दिन कहता हूं कि आप पढ़ने से ज्यादा क्या करें, आप रिवीजन पर काम करें, क्योंकि जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में रहे, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप रिवीजन करें। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में कई बार ऐसा होता है कि आपके प्रश्न आपने पढ़ा होता है लेकिन रिवीजन ना हो पाने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है और आप क्वेश्चंस को आते आते क्वेश्चन को आप गलत करके चले आते हो। तो ये गलती आपको दरअसल नहीं करनी, इसके लिए रिवीजन हम लोग फटाफट करते हैं। आइए लास्ट जीबी के रिवीजन पर हम लोग चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा दूध और दूध से बने उत्पादों के सभी पैकेजिंग में, यानी कि A1 और A2 के जो बारे में जो सभी दावे थे, तत्काल हटाने का निर्देश किस संस्था के द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है FSSAI, और इसके बारे में हमने कई वीडियो में डिटेल्स में आपको बताया भी है, अगर आपको याद होगा तो। इसके अलावा हाल ही में भारत के किस राज्य के द्वारा सबसे पहले मंकी पॉक्स को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया? वैसे तो फिलहाल कई स्टेट ने अभी हाई अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन भारत में सबसे पहले अगर कोई स्टेट था जिसने हाई अलर्ट जारी किया मंकी पॉक्स को लेकर के, तो वो स्टेट था आपका कौन सा? वो स्टेट था आपका प्यारा सा सुंदर सा कौन? केरल। केरल को लेकर के खास बात मैं आपको और बता दूं कि केरल की जो साक्षरता है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 100% करीब है, यानी कि 90+ के करीब है, ठीक है। और ये अपने आप में केरल की एक बहुत बड़ी क्या है, उपलब्धि की साक्षरता के मामले में दरअसल केरल जो है अपने आप में क्या है, बहुत ही उच्च स्थान पे। इसके अलावा खेल दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? तो ये मनाया जाता है आपका कब? ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर जो है खेल दिवस मनाया जाता है। आपको ये पॉइंट भी आपको क्या होगा, याद होगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कहां पर खोजा गया है, इसके बारे में भी हमने आपको डिटेल्स में बताया था। तो दरअसल ये खोजा गया है कहां पर? बोत्सवाना में, यानी कि बोत्सवाना के बारे में भी आप लोग जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा, मैंने आपको कराया भी है। इसके अलावा राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हाल ही में कब शुरू हुआ? यह हुआ आपका 25 अगस्त, और 25 अगस्त से लेकर शायद 8 सितंबर तक जो है ये चलेगा। इसके अलावा हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय, जिसको हम कानू कहते हैं, कहां पर खुलेगा? तो यह खुलेगा आपका भाई साहब कर्नाटक में, याद रखिएगा। इसके अलावा दो प्रश्न आपके, एक प्रश्न और बनता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? यह बन गया आपका महाराष्ट्र, और आपको यूपीएस के बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी हो गई होगी, नहीं होगी तो संभवतः कल तक मैं आपको एक आर्टिकल भी करा दूंगा यूपीएस के बारे में, जहां पर आपको जानकारी सारी एकत्रित तो हो जाएगी यूपीएस के बारे में, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर, और उसके पहले हमने लास्ट डे आपसे एक प्रश्न पूछा था और हमने कहा था कि यह प्रश्न दरअसल आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या था आपके सामने? प्रश्न था आपके सामने कि इताई रोग का कारण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कैडमियम। आप सभी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया है, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से क्या है, शुभकामनाएं हैं। और एक पॉइंट यहां पर क्या है, आर्सेनिक का है। आर्सेनिक जो है बेसिकली जो है ग्राउंड वाटर होता है उसको बहुत पॉल्यूट कर रहा है, और कई क्षेत्रों में, भारत के कई राज्यों में आर्सेनिक की कंसेंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा, और आर्सेनिक के बारे में भी आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, ओके। चलो, अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर, और पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लद्दाख में कुल
कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 3, 4, 5, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, यानी कि 5 नए डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख में जो है बनाए जाने की घोषणा की जाएगी या की गई है। तो व्याख्या देखिए हम लोग फटाफट। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है, और वो 5 नए जिले जो बनाए जाएंगे वो कौन कौन से हैं, तो आप लोग मैप पे यहां पर देख पा रहे होंगे। पहला जो है वो क्या है, जास्कर है, दूसरा द्रास है, तीसरा साम है, और एक हो जाएगा नुब्रा। इसको नुब्रा इस तरीके से लिखा जाएगा, नुब्रा, और एक हो जाएगा आपका चांगथांग। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 डिस्ट्रिक्ट जो है नए जो है यहां पर गठित किए जाएंगे। इसका ऐलान माननीय अमित शाह जो कि क्या है आपके गृह मंत्री है भारत सरकार के, उन्होंने ये घोषणा की है अभी हाल ही में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनेगा, ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं लद्दाख के वर्तमान गवर्नर की, तो वह है कौन, वीडी मिश्रा जी हैं अभी लद्दाख के राज्यपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ बनाए जाने की घोषणा की गई है? भाई साहब ये की गई है किसके द्वारा, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका क्या बिहार, सी ऑप्शन आपका राजस्थान, और डी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र। तो आपको हो सकता है लगे इसका आंसर ए होगा, लेकिन नहीं, ए नहीं होगा, इसका उत्तर होगा आपका राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि अभी हाल ही में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं कौन, भजन लाल शर्मा, उन्होंने ये जो है डिसीजन लिया है कि दरअसल मथुरा से लेकर के और जो है जो संदीपनी आश्रम है वहां तक क्या होगा, श्री कृष्ण गमन पथ बनाया जाएगा। और इस गमन पथ को बनाए जाने में राजस्थान के साथ एक स्टेट और है इसमें, और वो स्टेट कौन सा है भाई साहब, वो स्टेट है आपका एमपी, यानी कि राजस्थान क्या, यानी कि कौन, राजस्थान क्या भाई साहब, राजस्थान और प्लस एमपी, ये दोनों लोग मिलकर के क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कृष्ण गमन पथ, यानी कि श्री कृष्ण गमन क्या पथ। ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है आपके। तो आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा दरअसल क्या किया गया है, श्री कृष्ण गमन पथ बनाए जाने की घोषणा की गई है, और यह पथ राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर बनाया जाएगा, जो कि मैंने आपको जस्ट यहां पर बताया, और यह मार्ग मथुरा से उज्जैन के संदीपनी आश्रम तक क्या होगा, बनेगा। तो यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त या फिर 28 अगस्त, बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 अगस्त को अभी हाल ही में क्या किया गया है, महिला समानता दिवस मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या कर लीजिएगा आप लोग, टिक कर लीजिएगा। यह प्रश्न भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसके पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि दरअसल यह जो है क्यों मनाया जाता है जो है महिला समानता दिवस, तो इसके जो पीछे कारण है वो कारण क्या है, कारण यह है भाई साहब, 26 अगस्त 1920 यानी कि 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में क्या हुआ था, 19वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, और उसमें क्या किया गया था, उसमें बेसिकली जो अमेरिकी महिलाएं हैं उनको क्या किया गया था, उनको वोट देने का अधिकार, मताधिकार देने का जो प्रावधान किया गया था, इसी को लेकर के, इसकी याद को लेकर के दरअसल क्या होता है कि पहली बार इसको 26 अगस्त 1971 में क्या किया गया, मनाया गया, और जबकि 1973 यानी कि 1973 में कांग्रेस द्वारा इसे क्या किया गया, नामित किया गया। तो यानी कि यह दिन अमेरिका में 26 अगस्त 1920 को 19वें संशोधन के पास होने की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। कौन सा दिन, ये महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है, 26 अगस्त को। ठीक, याद रहेगा। इसके अलावा तो यह पॉइंट भी यहां पर देख लीजिए कि इस संशोधन के द्वारा अमेरिकी महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्रदान किया गया, आपको नॉर्मल सी पता है। हालांकि महिलाओं को लेकर के आज भी बहुत सारी जो है कुरीतियां व्याप्त हैं, और आज भी महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिल पाए हैं जो अधिकार मिलने चाहिए, और इसी को लेकर के महिला सशक्तिकरण को लेकर के आपको निबंध लिखने के लिए आता है आपके यूपीपीएससी आरओईआरओ और यूपीपीसीएस अपर एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, महिला सशक्तिकरण आपके लिए टास्क है कि आप इस पर क्या करिएगा, आप इस पर जो है एक एसे रेडी कर लीजिएगा। टास्क पहला आज आपका है क्या,
विमेन एम्पावरमेंट, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं महिला सशक्तिकरण। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? महिला सशक्तिकरण। इस पर आप लोग क्या करिएगा भाई साहब, इस पर आप लोग ऐसे रेडी कर लीजिएगा, आपके लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है महिला सशक्तिकरण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होस का क्या हो गया है, निधन हो गया है, यह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है लेबनान या नेपाल या अफगानिस्तान या पाकिस्तान, बताइए चारों में से एक सही उत्तर होगा। फटाफट सोच के बताइए किसका सही उत्तर क्या होगा। तो अगर आप इस उसके उत्तर को ढूंढेंगे तो पाएंगे कि अभी हाल ही में लेबनान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कौन है वो है आपके सलीम होस, इनका दरअसल क्या हो गया है, निधन हो गया है। और आइए हम लोग लेबनान के बारे में कुछ एक पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेम वही जो हमने आपको जस्ट बताया कि वो कहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, नाम क्या है सलीम होस है। ओके, चलो अब यहां पर कुछ एक पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो बेसिकली क्या है कि जो लेबनान है पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित क्या है, एक देश है। इसके अलावा इसके उत्तर और पूर्व में क्या है, इसके उत्तर पूर्व में क्या है सीरिया है। इसके उत्तर और पूर्व में, ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे लेबनान का मैप है, ठीक, और इसके उत्तर और पूर्व दोनों में क्या है भाई साहब, क्या है इसके सीरिया है। और अगर हम दक्षिण की तरफ जाएंगे, क्या दक्षिण में इजराइल है, ये देखिए सबसे लास्ट में यहां पर क्या उपस्थित है, यहां पर है आपका क्या इजराइल। और अगर हम बात करते हैं लेबनान के राजधानी की, तो उसकी राजधानी क्या है, बेरूत है, बेरूत। और ये देखिए यहां पर इसकी राजधानी यहां पर आपकी मेंशन हो रही है, तो मैप को भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये सबसे अंत में क्या, इधर इजराइल है, ठीक है, याद देखिएगा इसको। चलो आगे बढ़े हम लोग। इसके अलावा करेंसी की अगर बात करते हैं तो लेबनानी पाउंड यहां की क्या है, यहां की करेंसी है। कई बार आपके एग्जाम में करेंसी पूछ लेता है, आरओ में फैक्चुअल चूंकि क्वेश्चन पूछता है तो कई बार आपके यहां पर करेंसी पूछ लेता है। तो इसलिए जो भी देश चर्चाओं में रहा करे उस देश के बारे में मुख्य मुख्य चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप चाहें तो यहां पर लेबनान की प्रमुख नदी कौन कौन सी है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये टास्क मैं देता हूं कि लेबनान की कौन सी प्रमुख नदी है या वहां पर और कौन सी चीजें फेमस हैं उनके बारे में एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, डालिएगा गूगल पे लेबनान के बारे में, ठीक है, अबाउट, या डालिएगा इंग्लिश में अबाउट लेबनान, तो आपको डिटेल्स आर्टिकल मिल जाएगा, वहां से आप लोग चीजों को एकत्रित कर लीजिएगा। ओके, चलिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि गूगल पर जब भी आप सर्च करिए उसको क्रॉस चेक जरूर कर लिया करिए, क्योंकि पुराना डेटा कई बार क्या रहता है, पड़ा रहता है, तो आप उसे मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री कौन है भाई साहब उस समय वहां के, तो वो हैं नजीब मेकाती। दरअसल इस समय लेबनान के क्या है पीएम है, यह भी बिंदु आपको यह क्या करना है याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह प्रश्न भी ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि पेपर आउट टाइप का, यानी कि यह प्रश्न ऐसा है कि जिसके आने की पूर्ण संभावना आपके एग्जामिनेशन हॉल में है। ध्यान रखना कि भारत जब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करता है या भारत किसी योजना के लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है या फिर भारत में महिलाओं को लेकर के कोई खास जो है एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछा है कि हाल ही में भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन बन गए हैं, आपके सारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, गोपी चंद थोटाकुरा हैं, महेश चंद्र हैं, गोपी देशमुख हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग न्यूज देखते होंगे, न्यूज पेपर पढ़ते होंगे, तो इसका उत्तर आप तुरंत कर ले जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए, यानी कि गोपी चंद थोटाकुरा, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलो इसके बारे में हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन बन गए हैं, गोपी चंद थोटाकुरा, वह अंतरिक्ष कंपनी कौन सी, वह अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजन के न्यू सेफर 25 मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष एक्सप्लोर उन्होंने क्या किया है, किया है, इसको क्या कर लीजिएगा, किया है, ठीक, वह ब्लू ओरिजन के न्यू सेफर 25 मिशन के 6 चालक दलों में से क्या थे, एक थे। यह भी बिंदु आपको क्या करना है, याद रखना है। और 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पूर्व भारतीय वायुसेना के पायलट कौन, राकेश शर्मा, इनके बारे में डिटेल्स में आप लोग जानते होंगे, के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय नागरिक होने का रिकॉर्ड बनाया है किन्होंने, इन्होंने, क्या नाम है इनका, इनका नाम है आपका जो है क्या, इनका नाम क्या है, इनका नाम है गोपी चंदन क्या थोटापुरा। ओके, चलिए
इसके अलावा एक पॉइंट यहां पर और मेंशन है कि एक लाइन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्मन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्मन रेखा। कहा जाता है कि अगर कार्मन रेखा को, अगर माना कि ये कार्मन रेखा है, ठीक है, अगर आप इस कार्मन रेखा को पार कर जाते हैं तो कहा जाता है कि आप अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। कार्मन रेखा बेसिकली क्या होती है? कार्मन जो रेखा होती है वो क्या काम करती है? कार्मन रेखा पृथ्वी का जो वायुमंडल है और अंतरिक्ष को अलग करती है। यानी कि ये क्या है, एक तरीके से बॉर्डर लाइन है। ये बॉर्डर लाइन आपके क्या काम करेगी, आपका जो एटमॉस्फियर होगा, क्या होगा, आपका जो एटमॉस्फियर होगा, इस एटमॉस्फियर को आपका स्पेस इससे क्या करेगी, अलग करेगी। यानी कि क्या है, बॉर्डर लाइन है। यानी कि अगर आपको अंतरिक्ष में जाना है तो अपने एटमॉस्फेयर से इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर आपने इस लाइन को क्रॉस कर दिया तो कहा जाएगा कि आप अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। तो कार्मन रेखा कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकती है, हो सकता है, तो कार्मन रेखा के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। कार्मन रेखा समुद्र तल से इसकी कुछ ऊंचाई पर जो है क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है, या देखिएगा। इसके अलावा अगर बात गोपी चंदन की करते हैं तो ये दरअसल आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में नौवीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन बेसिकली कहां पर किया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने, नई दिल्ली है। दूसरा इंदौर है। सी लखनऊ है। डी इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए, यानी कि नई दिल्ली, यानी कि भारत के नई दिल्ली में अभी हाल ही में भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन किया गया है। और ब्राजील के बारे में कुछ एक पॉइंट्स भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं, ठीक है, आइए फटाफट। तो हाल ही में नौवीं ये बैठक कौन सी है, नौवीं है, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सुब्रमण्यम को एस, यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर। कई बार शायद सुब्रमण्यम शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा। इनका पूरा नाम क्या है, एस जयशंकर का, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। और ब्राजील के विदेश मंत्री कौन है, मौरो वियरा इस बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। और वर्तमान में ब्राजील G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस फैक्ट को आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके अलावा 18 और 19 नवंबर 2024 को G20 शिखर सम्मेलन रियो द जेनेरियो में क्या होगा, आयोजित किया जाएगा। ये बिंदु भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इस चीज को, ठीक है। पूछ सकता है आपसे कि कब इसका आयोजन होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा कहां पर गुरु पद्म संभव के जीवन और विरासत पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया कराएगा या करेगा? तो पटना में, राजगीर में, श्रावस्ती में, या फिर नालंदा में? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नालंदा, यानी कि बिहार के नालंदा में दरअसल इसका आयोजन किया जाएगा। और आइए इसके बारे में हम लोग कुछ एक फैक्ट को देखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय जो बौद्ध परिसंघ है, ठीक है, उसके द्वारा, परिसंघ द्वारा बिहार के नालंदा में गुरु पद्म संभव के जीवन और विरासत पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा कि बिहार के नालंदा में नौ नालंदा महाविहार के सहयोग से गुरु पद्म संभव के जीवन और उनके जीवंत विरासत पर अपडेट, याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण है क्या, कि 28 और 29 अगस्त 2024 को 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है प्रश्न ये भी कि कब आयोजन किया जाएगा, तो 28 और 29 अगस्त 2024, यानी कि 28 और 29 अगस्त 2024 को दरअसल इस पर जो है सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और गुरु पद्म संभव को क्या कहते हैं, इनको हम रिनपोचे के नाम से भी जानते हैं। तो गुरु रिनपोचे नाम से भी प्रसिद्ध गुरु पद्म संभव 8वीं शताब्दी में प्राचीन भारत के रहने वाले थे, याद रखिए। इसके अलावा बुद्ध धर्म में सबसे सम्मानित लोगों में से एक गुरु पद्म संभव को हिमालय क्षेत्र में बुद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय दिया जाता है, याद रखिएगा। तो यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में होने वाले आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की अब कप्तानी दरअसल कौन करेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है आपके लिए। और ऑप्शन क्या है, चार है आपके सामने, हरमनप्रीत कौर, मनप्रीत, स्मृति मंधाना, या फिर इनमें से
कोई नहीं, क्रिकेट के प्रेमी आप लोग जरूर होंगे, मुझे लगता है कि इसका उत्तर आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट मींस हरमनप्रीत कौर जो है क्या होंगी, आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में आयोजित होने वाला है, इसकी कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी। और अगर बात उप कप्तानी की करते हैं तो उप कप्तानी कौन करेंगी, उप कप्तानी करेंगी आपकी कौन, स्मृति मंधाना, और ये क्या करेंगे, कप्तानी करेंगी, ये होंगी कप्तानी, ठीक कप्तान, ठीक याद रहेगा। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट, पॉइंट वही सेम जो हमने आपको बताया कि हाल ही में होने वाले आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई है और उप कप्तानी बेसिकली स्मृति मंधाना को सौंपी गई है। और इन खेलों का आयोजन कहां पर होगा, यह फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन खेलों का आयोजन बेसिकली कहां पर होगा, UAE में होगा, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में होगा, याद रखिएगा। और आपको पता होगा कि दरअसल इन खेलों का आयोजन कहां पर होना था, होना था इनका आयोजन पहले बांग्लादेश में होना था, कहां पर होना था, बांग्लादेश में होना था, लेकिन जिस तरीके से वहां पर परिस्थितियां बदली हैं 360 डिग्री, ऐसे में वहां पर इन खेलों का आयोजन करा पाना संभव नहीं था। हालांकि भारत को मेजबानी के लिए कहा गया था लेकिन भारत ने मना कर दिया था। तो अब ये कहां पर होगा, UAE में होगा, लेकिन मेजबानी नाम किसके रहेगी, मेजबानी बांग्लादेश के ही नाम पर रहेगी, लेकिन इसका आयोजन कहां पर होगा, UAE में होगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में होगा। यह बिंदु भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलो तो कप्तानी कौन करेगा, हरमनप्रीत कौर, उप कप्तानी कौन करेंगी, स्मृति मंधाना, आयोजन कहां पर होगा, UAE में होगा, ठीक याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज आपके लिए प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, बताइए आप लोग कि GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या रक्षा मंत्री, बताइए आप लोग कि GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, प्रश्न है आपके लिए, मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा लोग इसका उत्तर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा करंट अफेयर्स पर, यानी कि आपको बताना है बेसिकली कि GST परिषद क्या होती है, यानी कि GST काउंसिल क्या होती है और इसके प्रमुख कार्य जो होते हैं वो आपको बताना है। और ये आपको लिखना है मात्र 125 वर्ड्स में, कितने 125 वर्ड्स में। एक बात मैं यहां पर और मेंशन कर दूं कि जिनका टारगेट अभी UPPCS 2024 का है ना भाई साहब, क्या UPPCS 2024, तो सिंपल सी बात है, इनका प्री कब है भाई साहब, इनका प्री है 27 अक्टूबर। तो जो जिनको 27 अक्टूबर को पीसीएस प्री देना है वो लोग अभी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की ना करें, मतलब जो मैं मेंस वाले क्वेश्चन दे रहा हूं, ये वाले क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस आप लोग मत करिए। UPPCS 2024 वाले सब कुछ छोड़ करके अब आप सिर्फ और सिर्फ प्री परीक्षा पर लग जाइएगा, किस पर, प्री एग्जाम पर आपको लगना है, मेंस का अब आप लोग कुछ भी मत करिएगा, मेंस करेंगे तो बेवकूफ कहलाएंगे, बिल्कुल नहीं टच करना है आपको, ठीक है, आराम से चुपचाप से ध्यान से आप लोग प्री पर फोकस होइए, मेंस को छोड़ दीजिए और टेस्ट सीरीज खूब लगाइए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज की करेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। और टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी एनालिसिस करिए कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो गलत हो रहे हैं, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कंफ्यूजन वाले हैं, और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल पता ही नहीं था, या कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपने देखे तो थे एक बार लेकिन आपने यह सोच करके उसको छोड़ दिया कि यह प्रश्न आपके, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टेस्ट सीरीज क्या है बेसिकली, टेस्ट सीरीज आईना है, मैं इसको आईना कहता हूं, आप उसको करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस खूब होगी। और टेस्ट सीरीज के साथ में एक चीज आप लोग और करिएगा, क्या आपको करनी है, क्या टेस्ट सीरीज, और इस टेस्ट सीरीज के साथ में आपको क्या काम करना है, PYQs का। ध्यान रखिएगा टेस्ट सीरीज एंड PYQ का वर्क जो है बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, लेकिन ध्यान रखना ये जितना बोरिंग है उतना ही फायदेमंद है आपके लिए। ये बात न सिर्फ मैं UPPCS वालों के लिए कह रहा हूं बल्कि ये बात मैं UPSC RO ARO वाले अभ्यर्थियों के लिए भी कह रहा हूं, और यही सेम चीज में UPSC के जो अभ्यर्थी होंगे उनको भी मैं यही बोल रहा हूं, ठीक है, कि PYQs प्लस टेस्ट सीरीज ये दो चीजें आपके लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ में मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। लेकिन चूंकि अब समय प्री का है तो इसलिए प्री पर लगिए और PYQs प्लस टेस्ट सीरीज को लगाइए, यही आपकी सफलता का क्या होगा, मूल होगा, यही सफलता का आपका राज होगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन, मिलेंगे कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एक बात और वो ये कि इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे चल रही है, डेली शाम को आती हैं, आप लोग उसको जरूर देखा करिएगा,
उसका डिटेलिंग आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।